अच्छा भाई, एक लड़का है, बहुत हरामी बने कर रहा है वो। आज मुझे यकीन करें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करनी पड़ रही है। बहुत गाता फिर रहा है, बहुत हरामी बने करता फिर रहा है। वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है कि मुझे मजबूरन आज करनी पड़ रही है। ये मैं अच्छा आपको बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि इनफ इज इनफ। हर चीज का एक जो है ना तरीका होता है या टाइमिंग होती है। आप एक चीज जो है ना बर्दाश्त करते हैं। अभी मैं ये तो झूठ बोलता फिर रहा है ना। मैं आप सच बताता हूँ। मैं सच क्या है, मेरे पास एक लड़का आता था, बजरी की पॉडकास्ट करता था, ठीक है। ठीक टेढ़े से बाल थे इसके, तो मेरी मुलाकात हुई थी लालू खेत में इससे ना। सही अच्छा, मैं नया नया पॉडकास्ट शुरू कर रहा था, तो मुझे कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो कि थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा सा मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो, थोड़ा सा ना अलग से इंटरेस्टेड हो, एंड इस इंटरेस्टेड तरह का हो, हो, थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा अलग से, मतलब उसको मैं अच्छे से कैमरे में इस्तेमाल करूँ। तो मैं इसको लेकर आ गया कैमरे में, हमने लेकर आया। थोड़ा सा स्टाइल था इसका, लोकल था ना, सही, बाल इसके अजीब से थे, एक टाइप गिर रहे थे, लेकिन वही चीज हमने यूज करनी थी बेसिकली। मतलब इसके एक अजीब सा पोस्चर था ना इसका, लोकल स्ट्रीट हाँ स्मार्ट जिसको कहते समझ हैं, गया, मतलब एक लोकल ही कह रहे, इंडियन लैंग्वेज में छपरी छपरी। अरे दादा इंडियन लैंग्वेज, हाँ तो ये इस तरह का था ना ये। अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत रिस्पेक्ट दी, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसको लेकर आया। अब ये हुआ ये कि इसने पहली पॉडकास्ट की मेरे साथ ना। सही, पहली पॉडकास्ट के बाद ये बंदा अगले दिन आया मेरे पास, कहता है मुझे बड़ा ना सैड, परेशान सा ना। मैंने क्या हुआ, कहता है यार वो मैंने इतने शौक से ना अपने घर पे बोला कि मेरी पॉडकास्ट हुई है एसन के साथ, तो आप सब लोग देखो ऐसे ऐसे। कह रहा है मेरी वाइफ तो कह रही है मुझे तो एसन पसंद आ रहा है, और एसन जो है, एसन की पर्सनैलिटी के आगे तुम बिल्कुल भी फुस लग रहे हो, बिल्कुल डाउन लग रहे हो, कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं लग रही, ये कह के ना परेशान हुआ हुआ है। बोलो यार, अब तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं अपनी अम्मी से पूछूंगा ना अगर हम दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है, तो बोलेंगे ये लड़का अच्छा लग रहा है। हर बंदे के घर वाले ऐसे ही करते हैं, उनको दूसरा बंदा अच्छा लगता है कि यार ये देखो ये कितना अच्छा है, सही ऐसे ही है ना। जी, मैंने कहा मेरी अम्मी भी आपको अच्छा बोलेंगी, मुझे बुरा बोलेंगी, भाई घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ऐसा हर जगह पे होता है। कह रहा नहीं यार मैं ना थोड़ा सा, क्योंकि जब घर वाली ऐसी बात करेंगे तो मैं तो डिसार्ड हो जाऊंगा, और ये हुआ इस तरह करके ना डिसार्ड हो अच्छा गया। देखें हसन भाई, इस पे ये है कि इंसान कभी ऐसा नहीं सोचे कि, मतलब देखो एक बात ध्यान में रखना, अपनी औलाद अपनी होती है, सही काली बात है। हो गोरी हो जैसी भी हो, अबे जैसी मर्जी माँ हो बाप के यार। लिए बच्चे जो है ना समझ लो सबसे अजीम होते हैं, और कभी भी अपने औलाद की कोई मतलब वो नहीं करता, हमेशा तारीफ ही करता है भले उसकी औलाद बिगड़ी भी क्यों ना हो, सही बात। ठीक है। आप किसी को देख के अगर आप अपने आप को बदलना चाहो तो आप अपनी पर्सनैलिटी नहीं शो कर रहे। देखो मैं ये कहता हूं कि इंसान अपने आप को देखे, किसी और को देखे कॉपी नहीं करे, जो आप सही हो ना आप बात, अपने आप को रियलिटी में वो दिखाओ। सही अगर बात। आप, मैं आपको देख के बोलूं यार आप स्मार्ट हो मैं नहीं हूं, तो ये तो यार अलग सी बात है। पर अल्लाह को बुरा लगता है, हाँ अल्लाह को भी नहीं, बुरा लगेगा। ये चीज़ नहीं हो। कोई आपको अगर कोई कमेंट्स कर रहा है, चाहे वो आपका अपना हो या क्यों ना हो, तो उनको आप ये चीज़ समझाओ कि भाई देखो वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, अगर मैं इतना बोला तो मेरे साथ क्यों। सही है। अब वो उसकी वाइफ है, अब उसकी वाइफ का क्या रिलेशन है, या उसने उसकी तफरी लेने में, मजाक उसके करने में मजाक बोल में दिया कह दिया, हो, उसने दिल पे रख लिया, जाहिर सी इतना बात है, डिसहार्ड होने वाली चीज इतना नहीं है डिसहार्ड भाई। होने वाली कोई चीज आपसे नहीं है। शादी किए तो आपके साथ मतलब, बच्चे हैं, हाँ बाकायदा आपके बच्चे साथ, हैं हाँ यार, आपके साथ बंदे शादी की किए तो मतलब वो आप ही उसके लिए सब कुछ हो, जाहिर सी दूसरा बात है। उसने आपके साथ मजाक में या कोई ऐसी चीज में अब कह ये दिया हो, दुनिया ना वाइफ को हाँ मारना शुरू कर दिया तूने, उनको कर हाँ दिया ऐसा वो तो बच्चा एक क्यों बोल अजीब, रही है मतलब फिर तो ये, आप तो फिर कुछ और साइको ही होगे। जाहिर सी बात है। सही, तो फिर और ये किसी की तारीफ कर दी तो इसमें कोई वो नहीं है भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खूबसूरत होते हैं, व्यूज दे दिए किसी हाँ किस्म किसी के के, कमेंट्स ने कर दिया, पर्सनैलिटी आपके आपके किरदार से और आपके करेक्टर से, यार ज्यादा से यही बोला होगा ना कि तो हाँ उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा भारी लग रही है, ऐसे बोल दिया यार होगा देखें, बस। मेरे काफी दोस्त हैं जो थोड़े से मतलब उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन क्या यार वो अपनी जगह है, दोस्त हैं मेरे, मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे साथ अच्छे हैं, सही बात, उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है तो वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त है तो दोस्ती की है तो भाई फिर साथ निभा साथ चल हर सही चीज पे, बात। अच्छा गरीब है अमीर उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि यार इंसान की फितरत ये, दोस्ती करो तो अच्छे इंसान से करो। अब वो इतना सीरियसली ले रहा है वो तो फिर कुछ और वो ही है, दिमागी हाँ तौर पे पागल है बेसिकली। अब कोई पता नहीं ऐसे लोग वाइफ को अपनी मारना शुरू कर दें, कुछ ऐसा शुरू कर दें, नहीं ठीक तो है थोड़ी सी ना ऐसे पता ही होते हैं। अनकॉन्शियस ही हाँ, बात कर दी ना मतलब के, हालांकि मैंने बहुत समझाया। अच्छा, इसी चक्करों से ना, इन्हीं बातों से जलना शुरू हो गया अंदर ही अंदर। अब हमें नहीं पता, हम तो बिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, बिठा भी हाँ रहे हैं, पानी पूछ रहे हैं इज्जत ऐसे से, आता रहा ना बड़े आराम से, लेकिन इसके दिल में कुछ और था। फिर एक लड़का है रेनबो बजीज के अंदर, आदिल के नाम से, ठीक है। इस उससे रिलेटेड इसके पास कुछ चीज़ें थी फोन के अंदर ना, स्क्रीनशॉट थे उसकी, कुछ तस्वीरें और ये सब चीज़ें, तो ये मुझे ना दिखाने लग गया।
तो मैंने इसको बोला यार देखो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ना ये सब नहीं करो, मतलब किसी की तुम चीजें नहीं दिखाओ मुझे, मतलब किसी की गलतियां दिखा रहा, मतलब किसी की दिखा रहा है कि वो ये करता है वो ये बोलता है। मैंने कहा भाई देख मैं इतना बिजी आदमी हूँ, मेरे को ना ये सब नहीं दिखा, मैं कंसर्न है वो जो करे। मैंने कहा मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे मुझे देखनी नहीं है ये सब चीजें, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। अब बैंड कौन पढ़े इतने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, अखबार लेके बैठा हुआ पूरे पूरे, अबे ग्रुपों के स्क्रीनशॉट इतने लंबे लंबे बारीक बारीक लिखा हुआ है, बहुत मेंटली डिस्टर्ब है वो बंदा ना, मेंटली डिस्टर्ब है वो। फिर जाहिर सी बात है देखो जो बंदा जिस तरह काम करता है उसकी शक्ल पे फटकार बरसती है। आपको भी एक चीज है, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली का है, मतलब ये एबीपीएल का जो ग्रुप है इसमें आप ऐड हैं। हाँ, इसमें एक लड़की की वॉइस आई, इसमें सब हंसे थे, मैं भी बहुत हंसा था। इमरान भाई इस लड़की का कुछ करे, ये मेरे बर्स की पिक्चर लगा रहा है। याद है कुछ सुना दे, याद है याद है सॉरी यार सॉरी भाई। तो ये अब यकीन करें मैं इतना हंसा था, मैंने कहा अब मैं बोला पिक्चर तो लगा रहा है, ये भी बेच रहा है तेरे बर्स, तेरे बर्स की डिमांड हो रही है, मतलब वो पिक्चर लगा रहा है, उसको अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, उसको लगा क्या कह रहा है इमरान भाई इसका कुछ करें यार, ये मेरी पिक्चर लगा, मेरे बर्ड्स की पिक्चर लगा रहा है। अबे यार पिक्चर लगाने से क्या हो रहा है तुम्हारा, सॉरी भाई ऐसा देखो हाँ। ऐसा बंदा जो है ना उसे ये देखो, एक बंदे ने एक छोटी सी बात की हाँ। भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कोई पिक्चर मैंने हाँ। लगा ली होगी क्योंकि मेरी गैलरी में आ रही है। नहीं, किसी ने लगाई थी। अच्छा, किसी ने लगाई, किसी ने ग्रुप के अंदर ही, ये बंदा पिक्चर लगा रहा है तो ग्रुप के अंदर ही आती वॉइस नोट, मैंने सुनी थी अभी बीच की, तो उसमें काफी लोगों के कमेंट्स आते ऐसे आए थे यार वो बच्चा था, उसकी आवाज से लग रहा था मतलब कोई ज्यादा उम्र का लड़का नहीं है वो। तो अब उसने सोचा क्या मेरे परिंदे की लगा रहा है, इमरान भाई इस पे एक्शन ले। अब इमरान भाई भी वो भी हंसे होंगे कि यार क्या मैं एक्शन लूं, उसने पिक्चर तो लगाई, उसने ये कोई करे कि ऐड लगा दे कि मेरे पास ये बर्ड्स है तो बेचना है, वैसे ही लगा दिया उसने, लगा दी। तो थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को सीरियसली आते हैं, हाइपर हो जाते हैं, मतलब मेरी चीज को क्यों लगा रहा है, मेरी चीज को क्यों करा, तो वो ऐसा नहीं, थोड़ा सा हर इंसान का नेचर है। अच्छा, अब इसने पता क्या, ये कहीं ना अंदर ही अंदर शुरू हो गया। हाँ, ये फिर अजीबो गरीब हरकतें करता था। ये कभी मुझे आदिल नाम का कोई लड़का था उसके स्क्रीनशॉट दिखाता था, तो मैंने इसको बोला भाई ये तू छोड़ दे, जिस काम के लिए आया वो कर। अच्छा, हम इसको टॉपिक से हटा हटा के ना इन चीज़ों से बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इसने ना इसी तरह की ना पर्सनल कुछ चीज़ें शुरू कर दी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, मुझसे पर्सनल कह लो कि पर्सनल अटैकिंग करना शुरू कर दी। अब वो जो है ना मेरे पीछे लग गया, अब वो यहाँ बैठे कभी कोई बात कर रहा है मेरे बारे में, मेरे सामने ही। अच्छा, एक बार, दो बार, तीन बार। अच्छा, मजे की बात बताऊं, एक दफा हम कहीं गए खाने पे ना, मैं उसको ले गया। अच्छा, जिस बंदे के पास जाना था ना उसने बोला यार इसको भी ले आ। मैंने कहा कार्टून हमारे साथ है, खिलौना खिलौना। मैंने कहा कार्टून है हमारे साथ, कह रहा इसको भी ले आ। मैंने कहा थोड़ा टेंस हुआ होगा यार, मुझे भी मिलवाना है, दिल चाह रहा है वैसे मिलने। अच्छा, हमने इसको ले गए उधर खाने पे, ले गए इसको ना, तो वहां पे गए। वो बंदा बड़ा तेज था, वो जिसने हमें बुलाया था, वो बंदा ऐसा है आप उससे मिलेंगे ना, वो इतना इतना आपको लगेगा जैसे सादा बंदा है, लेकिन वो दिमाग से उतना ही तेज है, इतना तेज है कि वो बोलेगा कुछ नहीं कभी भी, कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो बातों से खेल जाता है, वो बातों से क्या दिमाग से खेल जाता है वो। उसने मुझे बोला यार इसको भी ले आना कार्टून को ना, तो मैं इसको ले गया साथ। अच्छा, अब इसको वहां लेकर गए। अब वो तेज बंदा जाहिर है समझदार, मैं खुद लोगों के साथ उठने बैठने वाला बंदा, अब ना ये वहां जाके चुप ही ना करे। अब सब बैठे हैं, अभी उसने खाना वाना साथ रखा है बंदा, खाना वाना खा, ये तो चुप ही ना करे। असल में मैं ये बोलता हूँ, असल में मैंने लोगों को ये समझाया है, मैं ये बताता हूँ, मैं वो अपने इतनी तकरीरें शुरू कर, वो यूं बैठा हुआ है, वो यूं बैठा हुआ है। हम लोग कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, ये चुप करे तो हम लोग अपनी बात शुरू करें, कोई बात बात करें, वो चुप ही ना हो। अब उसको आदत हो गई मेरे पास, जिस तरह वो बेसिकली एक तरह की ना जलन में आ गया, वो हसद में आ गया, हसद में आ गया, गलत हुआ। अच्छा, मुझे कहता है कि ना किसी को उसने बोला कि ये इसने एक अपनी वीडियो में इसके कौन आता है, इसकी वीडियो में कौन आता है, एक बलोच आता है, सही ये बात बोली इसने, बलोच ये आपको बोला उसने। इसको जवाब दे दो पहले, जरा जवाब दे दो भाई। देखो, मैं कोई बलोच नहीं हूँ। आप जिस जगह बर्ड्स बेचने आते हो ना, आप एक काम करो, वहां मार्केट के लोगों की बात नहीं करूंगा, शॉप्स में जाओ, ठीक है। वो शुएब है, शब्बू अयान बट वाला, आप उसके पास जाओ, उसके बराबर कामरान है, आप उसके पास जाओ, और भी मजीद लोग हैं, वो हारुंस जिनके सीट्स मिलती है उनके पास, नामवर लोग हैं। हाँ, ये बड़े मतलब बड़े बड़े, आप उनसे आके मेरा पूछ लो कि मैं क्या हूँ, मैं मेरी पैदाइश ही मतलब देखा है तो
लियाकताबाद से थी बैकग्राउंड मेरा, वहां से फिर उसके बाद मेरा पूरा घराना, मैं प्रॉपर उर्दू स्पीक हूँ, और ऐसा अगर नहीं आपको बलोच, ज्यादा मेरा याद बलोच नहीं भी है, था, अगर पहले मैं तो हूँ नहीं, मेरे बलोच भी दोस्त है, तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको बलोच क्या क्या है। प्रॉब्लम है? हाँ बलोच है, बलोच भी इंसान है, और भाई मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे हैं, जाहिर सी बात, ठीक है, पठान भी हैं दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, और सभी हम लोग ऐसे नहीं कि हमने कभी कोई वो रखा, कोई पठान हो, सिख हो, पंजाबी हो, गुलमर्ग बलोच हो, में जो आपको बात क्या मेरी लेना गई देना है? ना, और उसके बाद वो सब मुझे जानते हैं, शरीफाबाद जो वहाँ पे बर्ड्स मार्केट रखती है ना, तो वहां पे मेरा एक टाइम बहुत अच्छा टाइम और बहुत बड़ा टाइम गुजरा है। तो आप शरीफाबाद की लोकल मार्केट मतलब लोकल लोगों में आके पूछोगे ना, जिदरान बेकरी पे भी जाके मेरा पूछोगे तो वो आपको बता देंगे कौन है, किसी भी एकोरियम वाले के पास जाके पूछोगे ना वो आपको बता देंगे, सब जानते हैं मुझे कि मैं वहां का रिहायशी था भाई, और अभी भी मेरे वहां पे अच्छे और मतलब भाई कुछ मेरी कहना वीडियो में आप 100 बार आएगा, मैं लूंगा, मैं रोज लूंगा, मैं हर बार लूंगा, तुम्हें इससे क्या भाई, प्रॉब्लम इंसान है? का जिससे दिल मिलेगा तुम्हें इससे उसको क्या मिला प्रॉब्लम था। है भाई? मेरी वीडियो है, मैं जिसको मर्जी लूं, मैं इसको लूं या इस जैसे 1,000 लोगों को लूं, तुम्हारे को क्या लेना देना भाई इन चीजों से? मैं सौ तो बार भाई लूंगा वो इस थोड़ा बंदे को। सा वो मेंटली डिस्टर्ब है वो, और कुछ हाँ नहीं, अच्छा, नहीं आप फिर संडे इसने, वाले दिन इसको बुला रहे हैं ना नहीं फिर वैसे इसने किया उसके। क्या? अच्छा फिर इसने क्या हाँ किया? एक तो ये बात बोली, उसके बाद ये बोला कि एहसन जो है वो अपने ऑफिस से नहीं निकलता। तो भाई इसके बाप तो भाई तेरे बाप का क्या जा रहा है? आप क्या का चाहते हो, मैं यहां से निकल के आपके घर आ जाऊं? आप ये चाहते हो मुझे? एक बात तो ये भी है ना कि पर्सनल आप, अटैक कर हाँ थोड़ा आप, सा, फिर थोड़ा घर सा में फिर वो प्रॉब्लम वैसे ही होगी। डिसाइड हुआ, वो और मेंटल ना हो जाए, उससे बैठे उसके बैठ के इससे बात कर, समझा लीजिए, इसको बुलाते हैं मार्केट में बैठते हैं और उसको बता देंगे भाई, उसको ये बता दूंगा भाई मैं बलोच नहीं हूँ, नहीं ठीक है। पहली बात ये, मैं आपको एक बात हाँ बताऊं, ये मैं सच बता रहा हूं, इसकी मैं कंप्लेन कर दूंगा FIA, मजाक नहीं कर रहा मैं। अच्छा क्यों करूंगा? सुने मेरी बात, हाँ सुने, पहले प्यार से समझाओ। ये ब्लैकमेलिंग करता है लोगों के साथ, जिस तरह इसने रखे हुए थे ना स्क्रीनशॉट्स और ये इधर उधर की। अबे वॉइस रिकॉर्डिंग रख रख के घूम रहा, और इतनी सारी बेतहाशा, किसी अदील की, किसी किस की, कभी और भी लड़के हैं, कोई एक आदमी है, 50-60 लोगों की रख के घूम रहा यार है। तो मैंने आपको इसको समझाया, मैंने कहा देख मेरी बात सुन, इस तरह का मटेरियल जिसके फोन में होता है ना, ब्लैकमेलिंग मटेरियल कहलाता है ये, और अल्लाह ना करे तेरे को कोई FIA उठा ले, मैं कंप्लेन करूं या कोई भी कर दे, ठीक है, क्राइम मैं, दुखा मेरा हक है भाई, FIA मेरा इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो, मेरा इदारा है, मैं हक रखता हूँ अपना। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम होगी मैं दरखास्त दे दूंगा, दरखास्त के बाद वो मुझे बुलाएंगे, भाई क्या बात है, उसको भी बुला लेंगे, अगर ज्यादा उनको सीरियस लगा, मामला जेन्युइन लगा, तो फिर FIR भी लॉन्च हो सकती है। अब देखिए मैं बात तो यह है कि तेरे फोन में ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बहुत गंदा फंस जाएगा, अल्लाह ना करे। आजकल का दौर ऐसा है कि दूसरों की चीजों से बचो, आप तो अपने फोन में इस तरह की चीजें रख के बैठे हुए हो, अल्लाह के बंदे सौ देखिए मसले मसाइल हो जाते ऐसन हैं। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, वो कर रहा ना उसको भुगते का भी, अभी उसको कोई सही का मिला नहीं है, आप हो आप थोड़ा सा मतलब अभी भी थोड़ा सा वो हो रहे हो, लेकिन ये कि प्यार से पहले समझाओ इसको कि मसला क्या है, किसी ने तारीफ कर दी इस चीज का कोई इशू नहीं है, अगर आपको ज्यादा आप अगर यार सीरियसली की है मैं अपने तो घर भाई पे आप बैठा अपनी वाइफ को हूँ, खुद से बात करो, आपका पर्सनल मैटर है आपका वो, पर्सनल ऐसा मैटर नहीं है है ना वो। कि आप उसको मार्केट में लोगों से करके आप अपनी ही फैमिली को गंदा कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को अपनी इज्जत को खराब कर रहे हो, आप उस चीज को ये समझाओ, उसका थोड़ा मेंटली करें, और दूसरे की मतलब आपका कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो भाई आप उस वो आपका ना कोई हाँ वालिद साहब नहीं है कि मतलब रोके, हाँ सही ना वो है, बात, आपकी मर्जी, आप जिसको बुलाओ, हाँ जिसको आपकी फैमिली मना करती है आपकी फैमिली, आप नहीं बुलाए, क्योंकि हर अपना भाई देखो, पर्सनल मेरे है ना, पर्सनल। मेरे मेरे घर पे भी मेरे माँ बाप बोलते हैं अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से बैठो, बुरे लोगों से ना मिलो, लेकिन यार ये दुनिया है, हर तरीके का इंसान मिलता है और हर तरीके से बना के रखनी पड़ती है, ये वो है कैसे लड़ा लड़ा दिया। अब ये जो बंदा ना, इससे पहले आप प्यार से बैठ के उसको समझाओ कि भाई आपका टेंशन नहीं इसको है। मैंने 2 बार फोन किया। अच्छा मैंने इसको अपनी वीडियो में आखिरी वक्त तक मैंने ना कोशिश की कि मैं इसको बुला दूं, सही, क्योंकि मेरा तो काम चल रहा था यार, मेरे को क्या हाँ जरूरत है। एक दिन ना मैंने इसको सिर्फ क्या किया, डांट दिया, सिर्फ एक दिन मैंने इसको डांट हाँ दिया, वो भी तंग आके, मैंने कहा यार ये सब नहीं करो। सही उसके बाद ना ये नहीं आया, अगले दिन मैंने इसको फोन किया, इसको मैंने फोन किया, मैंने कहा यार आप आ जाओ, छोटी छोटी बातें, इनका बुरा नहीं मना, हाँ हाँ मैं आऊंगा मैं यार। आऊंगा। अभी हसन भाई 2 वीक से मैं नहीं आ पाया था आपके पास, क्यों? थोड़े से मामला ऐसे थे, मैंने आपको बताया कि बच्ची की तबीयत खराब ही हो, कोई इशू है आप बता दो, आप बता ठीक दो, है इशू है, अब ऐसा कोई डीफेम कर रहा मतलब है, मैंने भी डीफेम आपको कर बोला, रहा हाँ है। अब वो आपसे मतलब इसको संडे वाले मार्केट बुलाएं, कहीं संडे मार्केट में बैठते हैं नहीं, वहीं ये पे बस अल्लाह का इसको, शुक्र है कि ये दुआ आया नहीं, नहीं वरना संडे तो फिर आए, संडे में इसको मैं प्यार से बात करेंगे, बोलेंगे यार इशू क्या है, थोड़ा सा और थोड़ा सा जो ना भी से थोड़ा सा होता है समझा देंगे, नहीं करो जब संडे वाले दिन आएगा ना, इसको बैठ के से तरीके से बात करेंगे, भाई आपका पॉडकास्ट है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपका मामला है, आप किसको बुलाना चाहें, जो आए क्या है, कौन बलोच है, कौन सिंधी है, कौन माजिर है, ये सब चीज़ें भाई सियासत लेके नहीं बैठे हुए, परिंदे हैं, परिंदों का परिंदों को परिंदे परिंदे के की तरह टॉपिक पे रखो। बात और करते हैं। देखो यार हाँ मेरी अगर कोई तारीफ कर रहा है ना, तो अगर कोई कर रहा है
मुझे नहीं लगता मेरी कोई तारीफ करता होगा, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो इसमें यकीन जानिए, मैं तो घर में सो रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन तारीफ कर रहा है। और यार ये आपका पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल मैटर है, अपने घर पे रखो, आप अपने आप को खुद और डिग्रेड कर रहे हो। अगर आप में कोई खामी है ना, तो आप अपनी खामी को खत्म करो, बुराई को खत्म करो, ये नहीं कि दूसरे को देख के उसको कॉपी करो या दूसरे को देख के ये करो कि यार वो अच्छा मैं बुरा क्यों, मुझे आप डिफेम क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं, अल्लाह ने सबको बनाया है, हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान सही होता है, किसी के गेटअप, किसी के कपड़े, किसी के लिबास देख के उसके कैरेक्टर का, उसके नेचर का आइडिया नहीं लगा सकते। सही बात है, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं सो रहा हूं, डिफेंड कर रहा है पीछे की बात क्या है क्या नहीं। यार देखो, किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन नहीं लगाए जाते, और आप जो कर रहे हो आप उस चीज का एक बात ध्यान रखना, कोई अगर आपको सही है, ये घर पे बैठा रहता है। अबे भाई तू क्या चाह रहा है, मैं तेरे घर पे बैठूं क्या भाई, घर पे बैठे, मैं तेरे घर पे बैठूं, आगे घर पे बैठे रहते हैं, फिर वो मामला हो जाएगा दूसरा वाला। वो देखो, दुनिया में दो तरीके के काम है, एक होता है स्मार्ट, वो होता है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्किंग पे लाने के लिए आपको पहले हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग को सर्वाइव करके आप स्मार्ट वर्क की तरफ आते हैं। और आज देखा है तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हर चीज सारी स्मार्ट है, तो अगर वो घर पे बैठा हुआ तो वो घर पे फारिक नहीं बैठा हुआ, कुछ ना कुछ कर रहा है, और उसके बाद पैसे अर्निंग हो रही है जो बैठा हुआ सुकून से। अगर पैसे थोड़ी बैठे रहेगा, घर वाले बैठने नहीं देंगे, घर वाले आज का वो दौर नहीं है भाई, या काम या। और दूसरी चीज, हम जो हमारा बिजनेस, जिस तरह का बिजनेस, हॉबी भी कह लो, बिजनेस भी कह लो, दोनों ही है अभी, क्योंकि पार्ट टाइम मेरे लिए तो हॉबी भी है, बिजनेस भी, शौक है। सही, उसको मैं पैसे भी अर्न कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इनका भी है कि शौक पैसे अर्न कर रहे हैं, वो उनका भी है। और यूट्यूब चैनल जो, तो आप इस चीज को ना करो कि क्या है घर पे क्यों बैठते, क्या करें, किसको अगर, बुला रहा है किसको नहीं बुला रहा, किसको बुला रहा है किसको नहीं बुला रहा भाई, इंसान की पर्सनल लाइफ है, उनको जिससे दिल मिलेगा उसको बुलाएगा। आज मैं बैठा हूँ, कल मेरी जगह कोई और बैठा होगा तो मुझे भी कोई जेलेसी नहीं होगी, क्योंकि यार ये सीट कोई मैंने मेरी बुक नहीं करी है, मेरी कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं है कि मतलब यहाँ के अगर मैं बैठ गया तो मैं अपने 5 साल पूरे कर बगैर नहीं उठूंगा, ऐसा नहीं है भाई। ये एक लोकल सीट है, यहाँ हर बंदा आके बैठेगा और हर बंदा आके इंटरव्यू देगा। सही बात, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इससे बैठ के क्लियर से समझाएं, उसको तरीके से समझाएं, वो समझने वाला होगा समझ जाएगा, अगर नहीं समझेगा तो ये पागल है, पागल ही है। So guys, एहतियात से रहें, अपने आसपास ध्यान रखें, और बात करते हुए हमेशा सोचें, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैकमेलर्स होते हैं, आपकी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं या आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर उसी बात को तोड़ मड़ोड़ के किसी दूसरे तीसरे के आगे पेश कर रहे हैं, या उनमें से छोटे छोटे क्लिप चला रहे हैं बिना किसी बात के, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और आपको अलग मायने जानने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से आप बिल्कुल बिल्कुल जो है ना अलर्ट रहिए, और अगर आपको जरूरत महसूस हो तो FIA में आप कंप्लेन कर सकते हैं। किसी के मोबाइल में अगर आपसे रिलेटेड कोई मवाद है और आपको शक है किसी पर, तो आप FIA से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर थ्रेटनिंग मैसेजेस कर रहा है, तो आप इसको FIA में रिपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।